आज ही तो सुबह उठते ही जो है वो मैं क्लिनजिंग करती हूँ अपने फेस की। क्लिनजिंग तो नहीं, थोड़ा सा मतलब ऐसे साफ वाफ कर लेती हूँ स्किन को। और वैसे अभी भी मुझे नींद आ रही है, तो ये है मेरा, समीर भी ये यूज़ करते हो, मैं भी यूज़ करती हूँ, दोनों साथ नीविया, और इसको हम लगाएंगे साथ में। और ये है मेरा एप्रिकॉट एवोकाडो स्क्रब, इसको हम यूज़ करेंगे। और आजकल जागने की वजह से मेरे डार्क सर्कल्स इतने हो गए हैं, समीर भी मुझे डांट रहे थे कि तुम क्या करती रहती हो, ये रातों भर एक स्किन तो मेरी अच्छी हो रही है लेकिन जो ये है ना डार्क सर्कल्स, ये बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इंशाल्लाह मैं इसके ट्रीटमेंट करूँगी। इसमें अगर आप बादाम का तेल लगाएं ना एंटी क्लॉक वाइज तो वो बहुत अच्छा होता है, या तो क्रीम भी होती है। तो मैंने नीविया का जो है वो इससे मैं वॉश कर रही हूँ, और मैंने बाथरूम में भी रखा है ताकि मैं दिखा सकूँ मैं क्या होता है। इसके बाद ब्रेकफास्ट होगा सिर्फ स्टेफान और मेरा, और फिर उसके बाद बेडरूम क्लीनिंग होगी। लेकिन बेडरूम क्लीनिंग में अभी ये है कि समीर सो रहे हैं तो बेडरूम क्लीनिंग तो मैं नहीं दिखा पाऊँगी। हाँ ये कि मैं अपना लिविंग रूम क्लीनिंग दिखा दूँगी आप लोगों को। हल्के हल्के हाथ से मैं करती हूँ, ज़्यादा नहीं। अच्छा जी, तो ये नीविया का फेस वॉश बहुत अच्छा होता है, और यहाँ कोई भी चीज़ जाली नहीं मिलती है, सब इम्पोर्टेड होती है। और यहाँ देखो मेरे जो है ना ये दाने भी हो रहे हैं, मौसम चेंज हो रहा है ना। अच्छा अब इसके बाद है सैनिटाइज, और सुबह सुबह आप अपने फेस को अगर यूँ करें ना, यूँ मसाज दें तो सैगिनेस कम हो जाती है। ये जो है मेरा एवोकाडो का 101% ओरिजिनल जो है वो स्क्रब है, तो इससे मैं अब मुंह धो लेती हूँ। वैसे तो मैं देर तक करती हूँ लेकिन वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाऊंगी तो इसलिए। तो ये मेरा फेस वॉश हो गया है। अच्छा जी, तो ये मेरा फेस वॉश हो गया है। अब हम ब्रेकफास्ट बनाएंगे, और मैं बाजार भी गई थी साथ साथ, तो ये मैंने कल लेकर आई हूँ, आईलाइनर लेकर आई हूँ, और रमज़ान का सामान लेकर आई हूँ, और ग्लास वगैरह लेकर आई हूँ, वो भी मैं दिखाती हूँ। आप देखे झूठे मोटे, सो दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन कर दी ना मैंने। चलो ये मैंने साफ़ सुथरी, मुझे बहुत अच्छी लगती चादर क्योंकि सिमटती नहीं है, और मैंने इसको ये बिछा दिया है। अब मैं वैक्यूम लगाती हूँ, और समीर उड़ गए थे तो मैंने कहा चलो मैं हाथ के हाथ सफाई भी कर लेती हूँ। और ये सिफान जो है ना कभी नहीं मानेगा, ये हमेशा इसकी गाड़ियाँ ना यहीं सारी जो हैं होती हैं। इसमें पूरे पूरे सीन्स बने हुए हैं कि यहाँ से जो है वो चेकिंग लगी हुई है, और यहाँ से लोग जा रहे हैं, और ये तो ये और क्रैश हुआ हुआ है जहाज़ दिख रहा है ना, ये क्रैश हुआ हुआ है। तो ये बच्चे का कॉर्नर है, इसको मैं छेड़ नहीं सकती। अब जो बाकी हिस्से हैं मैं उस पर वैक्यूम लगा लेती हूँ। अच्छा जी, आज जुम्मा है तो मैंने कहा छोड़ थोड़ा कमरे की भी झाड़ झपट जो होती है वो कर ली जाए, तो मैंने निकाल ली थी। थोड़ी सर्दियाँ हैं अभी भी यहाँ ना, और डस्ट स्टॉर्म आया हुआ है तो इसका दर नाक में इचिंग हो रही है। सो ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन देखिएगा अभी आप। 1 2 3 गो। देखे झूठे मोटे, सो दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन कर दी ना मैंने। चलो ये मैंने साफ़ सुथरी, मुझे बहुत अच्छी लगती चादर क्योंकि सिमटती नहीं है, और मैंने इसको ये बिछा दिया है। अब मैं वैक्यूम लगाती हूँ, और समीर उड़ गए थे तो मैंने कहा चलो मैं हाथ के हाथ सफाई भी कर लेती हूँ। और ये सिफान जो है ना कभी नहीं मानेगा, ये हमेशा इसकी गाड़ियाँ ना यहीं सारी जो हैं होती हैं। इसमें पूरे पूरे सीन्स बने हुए हैं कि यहाँ से जो है वो चेकिंग लगी हुई है, और यहाँ से लोग जा रहे हैं, और ये तो ये और क्रैश हुआ हुआ है जहाज़ दिख रहा है ना, ये क्रैश हुआ हुआ है। तो ये बच्चे का कॉर्नर है, इसको मैं छेड़ नहीं सकती। अब जो बाकी हिस्से हैं मैं उस पर वैक्यूम लगा लेती हूँ। चलो सफान, बटन दबाओ वैक्यूम का। okay.
ये थोड़ी आवाज़ आप लोगों को अवॉइड करनी पड़ेंगी। चलो मैं आज आपको रूटीन बता रही हूँ अपनी कि मैं क्या क्या करती हूँ, और मैं यहाँ कुछ भी नहीं कर सकती, यहाँ मैं ज़रा भी टच नहीं कर सकती क्योंकि मेरे बेटे के खिलौने जो है ना फिक्स है। बस वैसे कल ही मैंने वैक्यूम लगाया था, बस ये थोड़ा थोड़ा जो है कचरा है इसको रिमूव करना है बस। ये कारपेट हमारा 7 साल पुराना है, 6 साल पुराना, और अभी भी इतना अच्छा हो जाता है ये वैक्यूम लगने के बाद, ऐसा बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर, और इतना सॉफ्ट सॉफ्ट सा है। तुर्की के कारपेट आते हैं सऊदीया में ज़्यादातर, तुर्किश कारपेट्स। अच्छा जी, वैक्यूम मैंने लगा लिया, वैक्यूम के बाद मैंने इस तरीके से यहाँ छोटी सी मैं चादर भी बिछा देती हूँ। अब है डस्टिंग की बारी। डस्टिंग में मैं क्या करती हूँ, ये जो वेट वाइप्स होते हैं ना, मेकअप रिमूवर भी होते हैं और मुंह भी धो के होते हैं, तो ये मैं बहुत सारे ले आई थी, तो मैं इसी से ही सफाई वफाई कर लेती हूँ। जैसे ये अलमारी है, तो ये वेड भी होता है, ये स्पाइडर मैन है मेरा बेटा, तो इस तरीके से बस हाथ मार देती हूँ, एक वैसे तो साफ ही होता है, खिड़कियाँ कम ही खोलते हैं हम लोग इस तरीके से। और थोड़ा थोड़ा खुशबू भी आ जाती है। चलिए अभी ड्रेसिंग की बारी है। तो क्लीन एंड क्लियर कर देता है ये। तो जी ये है हमारी कुछ रूटीन जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और ये है हेयर मसाजर, इसको आप अपने बाल, ये मेरे मालदीव की यादें हैं, इनको मैं यहीं रखती हूँ, मालदीव की यादें मेरे। तो बस ये अब हमारी ड्रेसिंग साफ सुथरी हो गई है, मिरर भी मैंने साफ कर लिया है, और बस अभी बेडरूम क्लीनिंग हमारी हो गई है, बेडरूम क्लीनिंग। चले अब नाश्ता बनाते हैं। अच्छा जी, यहाँ मेरा सिद्धू का नाश्ता बन रहा है, मॉर्निंग रूटीन दिखाई है, उसके बाद ये है कि मैं इसको फ्रेश टोस्ट बना के दे देती हूँ, कभी ओट्स दे देती हूँ, ओट्स बहुत अच्छे होते हैं बच्चों के लिए, कोई करके ओट्स जो होते हैं इसी पाकिस्तान में अवेलेबल है, तो उसको पानी में पका के मैं वो दे देती हूँ, वो भी मैंने शेयर किया है। और फिर एक दूसरी चीज़ होती है, क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिक खाने खाता है सिफान ना, तो बड़ा मेरे लिए मसला हो जाता है, तो ये जो है ये अंडा मैंने कर लिया है, ठीक है, और अब इसमें थोड़ा सा बचेगा तो वो मैं समीर को ना शाम में बना देती हूँ। इसके अंदर मैंने इसको फ्लफी करने के लिए और अच्छा करने के लिए मैंने इसके अंदर मिल्क डाल दिया है, जितना इसको फेटेंगे ना इतना ही अच्छा बनेगा। अब मैं इसके अंदर डालूंगी शुगर। अच्छा जी, असेंबलिंग की टाइम आ गया है, और मैंने ग्रीन चटनी भी बना ली है, साथ में अंडा भी फ्राई कर लिया है, ऐसे अंडा छोड़ा था ना, तो मैंने ये इस तरीके से अंडा बनाया, तो छोटा भी हो गया और थोड़ा सा फ्लफी सा बना है जैसे बाहर का होता है। अब मैं इसमें करूंगी असेंबलिंग, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अच्छा, अभी तैयारी हो रही है बाहर जाने की, और आज थर्सडे है तो आज हम बाहर जाते हैं, फ्राइडे की छुट्टी होती है सऊदीया में, इस वजह से। तो ये मैंने अपना ड्रेस निकाला हुआ था, ये है पूरा अपर और गेंजा का इस तरीके से, और साथ में जो है इसका ये इनर है, जो अंदर इनर पहनेंगे, जो ये आपको कलर दिख रहा है, तो इसके ऊपर जो है ये, इसके ऊपर ये पहनेंगे। तो मैं ज़्यादातर जीन्स ही वेयर करती हूँ यहाँ, क्योंकि अबाया पहनना होता है ऊपर से, और कभी हम किसी के घर वगैरह तो जा नहीं रहे जो अबाया उतारना होगा, तो ये बहुत प्यारी इसमें एम्बेलिशमेंट हुई हुई है पूरा, ये जो है ये एम्ब्रॉयडर्ड है, ये पूरा आपको एम्ब्रॉयडर्ड दिख रहा है, साथ में इसका जो अंदर का इनर है वो बहुत प्यारा से इसके अंदर जो है वो डिज़ाइन बना हुआ है, ये जे डॉट प्रैट है, मीडियम 12,
और मैंने ये पाकिस्तान से ही लिया था, मैं यहाँ लेकर आई थी और मैंने जीन्स तो वेयर कर ली है, ये बस इसी के ऊपर मैं जो है वो इसको पहन लूँगी, हल्का फुल्का सा मेकअप करेंगे क्योंकि आज का दिन जो होता है वो हस्बैंड के नाम होता है और हम घूमते हैं फिरते हैं, बस बाहर घूम फिर के आ जाते हैं ताकि माइंड रिलैक्स हो। और यहाँ मेरा गुग्गू क्या कर रहा है, सेफू हाय करें। कह रहा सिफान आज न्यू टॉयज लेगा और हाय भी कर दिया और बाय भी कर दिया। ये मेरा शहजादा है, मेरा शहजादा ही देखो गेम कितना अच्छा खेलता है ये, माशाल्लाह से देखें गेम कितना अच्छा खेलता है। सारी कार्स की हुई है, ट्रक्स की हैं, मैं इसने इस तरीके से मैंने सिफान को ड्रेस अप कर लिया। सिफान ड्रेस दिखाओ अपना, सिफान ने मॉन्स्टर ट्रक पहना है, ये इनका डिमांड होती है मम्मा मॉन्स्टर ट्रक पहनाओ, तो ये इनको मॉन्स्टर ट्रक मैंने पहना दिया, इसको रेडी मैंने सुबह ही कर दिया था नहला धुला के, बस अभी मैं इसके बाल बनाऊंगी और साथ में थोड़ा सा जो इसका मुंह हाथ वगैरह धुलवा दूंगी। सो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तैयार हो गई हूँ आप लोग के सामने, मैंने हल्का फुल्का सा मेकअप किया है पिंक शेड में, अपने जो है यहाँ लिड पे मैंने हल्के हल्के सा पिंक जो है वो क्या नाम है वो लगाया, आई शेड लगाया, हल्की सी लिपस्टिक लगा लिए, साथ में मैंने ऑरेंज कलर का नेकलेस पेयर अप किया अपने ड्रेस के साथ, और ड्रेस मैंने आपको दिखा दिया था जो क्या नाम है ये इस किस्म का मेरा ड्रेस है, और ऊपर से कोट है और साथ में मैंने ब्लैक कलर का बैग लिया है और यूनिकॉर्न शूज़ पहने हैं मैंने इसके साथ, क्योंकि ये चलने में आसानी होती है इससे, और बस ये मेरा आज का। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, साथ रहिएगा, हो सकता है अभी मैं शॉपिंग पे भी जाऊँ, हस्बैंड पे डिपेंड करता है, अगर वो मुझे बोलेंगे चल मैं शॉपिंग में लेके चलता हूँ तो ये हम शॉपिंग पे भी चले जाएंगे, और फिर उसके साथ साथ जो है मैं शॉपिंग भी दिखाऊंगी आपको, और फिर जो आज हम खाना वाना खाएंगे और इन्जॉय करेंगे वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, साथ रहिएगा। और ऐसी शफक डायरी को लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा, जहाँ जहाँ से लोग मुझे देख रहे हैं तो प्लीज़ मोटिवेट कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, आपकी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, और यही जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं आप लोगों से एक एक बात अपनी शेयर करूँ और आप लोगों को एक एक चीज़ दिखाऊँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ कहाँ नहीं जा रही हूँ। तो इंशाल्लाह ऐसे एक साथ रहेंगे, घूमते फिरते रहेंगे, इन्जॉय करेंगे, अल्लाह ताला आप लोगों के घर को भी और आप लोगों को भी खुश व खुर्रम रखे और सारी परेशानियों से दूर रखे, आमीन सब आमीन। चलें फिर अब चलते हैं, कैचर लेना था मुझे और यहाँ बहुत सारे कैचर्स हैं और ये 24 आवर्स की दुकान है, आप कभी भी यहाँ जो है आराम से शॉपिंग कर सकते हैं सुकून से जब आपका दिल चाहिए। पूरा मैनी पैडी का सामान रखा हुआ है, तो मुझे लेना था मैनी पैडी का सामान, ये पूरा मैनी पैडी का है, पाँव हाथ काफ़ी जो है वो रफ से हुए हुए हैं इस वजह से, चलो ये ले लेते हैं साथ में ये सारी पेंसिल्स और ये ब्यूटी ब्लेंडर्स वगैरह, ये बहुत काम की चीज़, ये सारी जो है लिपस्टिक्स वगैरह और जो आईलाइनर ये सब चीज़ें रखी हुई हैं, बहुत मज़ा आता है मुझे ऐसी जगहों पे आकर। ये सब पोनीज वगैरह, ये बेस रखे हुए सारे, तो ये है हमारी रूटीन, ये इतने अच्छे ज़बरदस्त है, इसमें हर किस्म के जो है ना आपको ब्यूटी ब्लेंडर मिलेंगे, पफ भी हैं ब्यूटी ब्लेंडर्स भी हैं साथ में, और रिमूवर वगैरह या अंडरगारमेंट्स भी हैं यहाँ, एलोवेरा जेल रखा हुआ है, ये टोमेटो जेल है, ये एलोवेरा जेल है, टिंट्स रखे हुए हैं, ये टिंट्स, पूरा ये परफ्यूम्स का जो है ये पोर्शंस है, लेडीज़ परफ्यूम जेंट्स परफ्यूम सारे परफ्यूम्स यहाँ अवेलेबल हैं, ये टेस्टर हैं आप यहाँ से जो है वो यूज़ कर सकते हैं, तो सारे आप बायो पे लगा लेती हूँ ऐसा करके, और ये जो इनकी कुछ स्पेशल्स जो होती हैं संदल ईतर वगैरह ये सब वो हैं, तो बड़ा मज़ा आता है शॉपिंग करने में ना, तो मैं देख रही हूँ कोई परफ्यूम अच्छा सा लगे, और पहले मैं केसिंग देखती हूँ। ये कितना प्यारा लग रहा है, कितनी खूबसूरत बॉटल है,
ये सारे यहाँ रखे हुए हैं पैक।